हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है और उम्मीदें हमारी वही हैं कि यहाँ से मार्केट अच्छा करे। लेकिन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन को 35-36 हज़ार डॉलर पे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर एक्चुअल में पॉजिटिव साइड देखें तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ये अच्छा भी है, क्योंकि आप देखोगे बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑल्ट कॉइन मार्केट की बात करते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस घट रही है, ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट है यानी कि दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो यहाँ हमें अच्छा खासा बढ़ते दिख रहे हैं। बिटकॉइन यहाँ पे जितना स्टेबल होता है उतना ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा रहेगा, ये हम सबको पता ही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, बिटकॉइन जब भी ऐसे मूव लेता है और यहाँ ब्रीद आउट करता है तो वहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है या उस रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा जब 15 से 20 हज़ार, 20 हज़ार रेजिस्टेंस निकल के आया, फिर 20 से 25 हज़ार, 25 हज़ार रेजिस्टेंस निकल के आया, फिर 25 से 30 हज़ार, 30 हज़ार रेजिस्टेंस निकल के आया। और अभी अगर आप देखते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस है 35 से 36 हज़ार डॉलर। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आज जो मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सिग्नल लेके आया हूँ, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में जब भी इसके आसपास कुछ भी हुआ है तो हमने वहाँ पे एक बुल रैली देखी है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल्स लगातार निकल के आ रहे हैं उसने हमारी जो उम्मीदें और बढ़ा दी हैं कि शायद 2025 तक का वेट ना करना पड़े। हो सकता है 2023, 2024 के अंदर ही हमें एक बड़ी बुल रैली जो हम 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को मिले। और यहाँ पर एक और गोल्डन क्रॉस, आपको पता है ना, जब 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गोल्डन क्रॉस एक और हो रहा है और वो क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ क्वाइंस जो आप हमसे पूछ रहे हो, मैटिक की बात करेंगे, शिबा की बात करेंगे और XRP, हमारे गले छिल गए बोल बोल के। शायद 2 हफ्ते पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, 2-3 हफ्ते पुरानी बात होगी कि ले लो ले लो, डिप में है, एंट्री बना लो। बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, जिसने बनाई है आज वो 40-50% के प्रॉफिट में है, नहीं बनाई है तो अब क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं इन कॉइन्स के बारे में बात करूंगा। तो बने रहिए, अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है और आपके कुछ काम आ रहा है, हमारे एफर्ट्स आपको लगते हैं कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बने रहने की सिचुएशन कैसी भी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको भी थोड़ी सी मदद मिल पाए। तो दोस्तों, अगर देखो नया हफ्ता है और नए हफ्ते के अंदर बिटकॉइन ने जिस हिसाब से एक मूव लिया है, यहाँ पर 35-36 हज़ार डॉलर रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, मैं उसकी बात करूँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज का जो चार्ट है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं मूविंग एवरेजेस पे, फिबोनाची के ऊपर, लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर क्या खेल होता है उसको समझिएगा। बहुत अच्छी, अगर बड़े चार्ट के अंदर देखते हो, डेली, वीकली, मंथ के चार्ट को देखते हो, तो वहाँ पे हमें दिखता है कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रही हैं। तो इसलिए कहते हैं, ज़्यादा अगर मूविंग एवरेज की बात करो, 50 मूविंग एवरेज, 200 वीक जो है मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, इन सब पे जो है ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अगर आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, 4 आवर के चार्ट में देख रहे हो या डेली कैंडल के अंदर भी देख रहे हो, तो 9 और 21 भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन अगर आप बड़ी चीज़ को देख रहे हो, बड़ी पिक्चर देख रहे हो, यहाँ एक्चुअल में सपोर्ट स्ट्रांग मिलनी चाहिए, रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसके लिए 100, 200, 50 ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर आज मैं जो लेके आया हूँ चार्ट, उसके अंदर 2 मूविंग एवरेज की बात करूँगा, वो वीक की मूविंग एवरेज है, वो है 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो निकल के आ रही है उसको आप समझिएगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हो 100 और 200 वीक मूविंग एवरेज के अंदर, तो 2014 से कंसीडर करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा शुरुआत से ही करता हूँ, जब भी ये क्लोज आई है उसके बाद हमने एक रैली देखी है। क्या है वो, 2014 के अंदर हो, 2013 के अंदर आई, 2014 के अंदर हमने लगभग 1300-1400 डॉलर देखा बिटकॉइन का प्राइस, फिर ये 2016 के अंदर आई, 2017 के अंदर हमने एक रैली देखी है, 2017 की शुरुआत में आई, हमने 20 हज़ार डॉलर देखा। आप देखो ये जो ग्रीन लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है
वो क्लोज आई या टच नहीं करी, ध्यान रखिएगा, क्लोज आई हमने एक रैली को वहाँ ट्रिगर होते देखा, एक बुल रैली को ट्रिगर होते देखा। ऐसे ही सिमिलरली 2021 के अंदर ये क्लोज आई, फिर हमने 64,000 डॉलर्स और फिर 69,000 डॉलर्स को बिटकॉइन को प्राइस को हिट करते देखा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले तो क्लोज आई थी लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, नज़दीक तो आई और क्रॉस भी किया है। और आप यहाँ पर जो पीछे की अगर तीन रैली को देखते हो तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं, और जो वीकली कैंडल बनी है कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और जब भी आप देखोगे जब भी पास आया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और उसके बाद हमने रैली ट्रिगर होते देखी है, तो यहाँ पे भी यही हमें अभी देखने को मिल रहा है। एक ये क्लोज आया और क्रॉस किया और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली को यहाँ ट्रिगर होते देखा। वीकली कैंडल के अंदर आप देखोगे कितना बड़ा, अगर चार्ट को देखते हो तो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ बन रही है। तो पूरे चांसेस हैं यहाँ से कि एक रैली ये कंटिन्यू होते दिखे और 2025 की जगह 2023 और 2024 के अंदर ही जलवा बिटकॉइन का देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि सिग्नल्स तो यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा बिटकॉइन के अंदर हो सकता है कि नहीं? लेकिन ये बहुत एक इंटरेस्टिंग लगा फाइंडिंग थी, आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अमूमन गोल्डन क्रॉस के बारे में हर कोई जानता है, डेथ क्रॉस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन एक्चुअल में सब ये समझते हैं कि गोल्डन क्रॉस होता है या डेथ क्रॉस होता है जब 50 और 200 डे मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो जो है गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस होता है। अगर छोटी मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर क्रॉस करती है 200 मूविंग एवरेज को, तो उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टडी करते हो तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ लोग इसको कंसीडर करते हैं। और आप देखोगे जब ये हुआ था पिछले हफ्ते गोल्डन क्रॉस, हमने आपको ये बोला था कि जब भी ऐसा हुआ है, अगर कोरोना को छोड़ दें तो हमने एक बड़ी रैली देखी और बिटकॉइन के अंदर बड़े मूव देखे, और इस बार भी गोल्डन क्रॉस ने हमें निराश नहीं किया। लेकिन यहाँ पर 50 और 200 को छोड़ दें तो यूजुअली क्या टेक्निकल होता है या टर्म्स क्या लिखी जाती हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। छोटी मूविंग एवरेज जब बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटती है तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर अभी की बात करते हैं तो 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पे अभी हमें क्रॉस होती दिख रही हैं, और इसको भी कहीं ना कहीं हम जो है एक गोल्डन क्रॉस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे 50 और 200 ने हमें एक बुलिश सिग्नल दिया, कहीं ना कहीं ये भी हमें एक बुलिश सिग्नल दे रहा है, और यहाँ से उम्मीद है कि एक रैली कंटिन्यू होते दिख सकती है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो क्या निकल के आता है, शॉर्ट टर्म में देखते हो तो फिबोनाची की जो रेशियो है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 0.382, ये एक गोल्डन रेशियो है या फिबोनाची की रेशियो है, उसको ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और दूसरा आप देखोगे जब से ये बॉटम से ऊपर जा रहा है तो लगातार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, तो इसको ये रेजिस्टेंस है। तो कह लीजिए 35 से 36 हज़ार डॉलर का जोन जो है वो फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है, और जिस हिसाब से इसको बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है या उसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो पूरे चांसेस हैं यहाँ से ये एक बड़ा पंप आगे ले सकता है, और जो टेक्निकल इशारा दे रहे हैं। लेकिन हमेशा हमें प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए, आपको मैंने आपको बताया था कि इस रेट पे क्या हमें लेना चाहिए, हमारा माइंड क्लियर है। 25,000 पे आपने नहीं लिया है तो 35,000 पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो गलती मत करना जो लोग ज़्यादातर करते हैं। जब 25,000 पे लेना था, 20,000 पे लेना था तब नहीं लिया, तो अभी भी ज़्यादा इमोशन में मत आओ, लालच में मत आओ। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ लेना सही है कि गलत है, हमारे हिसाब से अब आप थोड़ा लेट हो, यहाँ पे रिस्क के चांसेस जो होते हैं वो 80% है, 20% आपके रिस्क है ही, 80% हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा पंप हो सकता है, लेकिन 20% यहाँ पे है। उस टाइम पे बात करें तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा थे कि बहुत अच्छा बिटकॉइन रिटर्न दे सकता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, 1.5-2 साल के लिए देख रहे हो, तो ये 35,000 भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता, रेट नहीं लगता, हमें उम्मीद है कि 1.5-2 लाख डॉलर भी जा सकता है अगले 1.5-2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 34,000 डॉलर्स इसके लिए सपोर्ट है, वहाँ नहीं टिकता तो दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं अगर आप एंट्री के लिए सोच रहे हो तो वहाँ बनाई जा सकती है, वो है 32,000 डॉलर, कोई पीवट पॉइंट की बात करते हैं,
या टेक्निकल की बात करते हैं, पीछे ये 31,500 से $32,000 इसके लिए रेजिस्टेंस, अब वो सपोर्ट है और 30,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है। तो ये दो सपोर्ट हैं अगर गलती से वहाँ आ जाए, जो हमें लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। और बहुत सारे लोग CME गैप की बात कर रहे हैं, $21,000 $20,000 पे वो कब फिल होगा। दोस्तों यूजुअली हमने देखा है कि CME गैप फिल होते हैं, लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है ना, तो उसके अंदर कई बार ऐसी चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं, हो सकता है सालों लग जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर उस चीज़ के भरोसे बैठे हो तो शायद आप यहाँ पे गलत कर रहे हो अपने साथ में। लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $35,000 $36,000 पे एंट्री नहीं बनती है। वही भेड़ चाल जो हम अक्सर बोलते हैं, वो मत करो जब सारी दुनिया ले रही होती है, जब एक्चुअल में लोग एग्जिट कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बहुत यहाँ पे हमने बहुत अच्छा एक्स्ट्रा यहाँ से बिटकॉइन पंप नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे रिस्क के चांसेस आपके लिए ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आपने लेना था आपने नहीं लिया, तो यहाँ पे लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में तो आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में आ रहा है और आपको लगता है हमारी वीडियो काम की है, हम कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, तो लाइक करिए, लाइक को ठोकिए। बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा वेट करो, लेकिन यहाँ पर अगर आप समझदारी दिखा रहे हो तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पूरे मौके हैं अभी भी यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने के। अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात भी करता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स थे। मैंने मैटिक के बारे में बात करी, मैंने डॉट के बारे में बात करी, डॉज के बारे में बात करी, शिबा के बारे में बात करी, लिंक के बारे में बात करी, केक के बारे में बात करी, नियो के बारे में बात करी। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी 50 से 100% यहाँ बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी क्या करें, हमारे हिसाब से अभी भी अगर कोई कॉइन्स डिप में है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। हमारी नवंबर की लिस्ट देख लीजिएगा, उसके अंदर 5 कॉइन शेयर करें, उम्मीद है उसके अंदर हम एक रैली अभी कंटिन्यू होते देखें। क्योंकि अगर कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन से तो वो अभी ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, उसको देख लीजिएगा। लेकिन कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर ये दो तीन कॉइन हैं उनके बारे में बताइए। तो अभी मैं मैटिक की बात करूं, $0.5 के आसपास कितना बोला आपको मैंने, ले लो नहीं लिया, अभी $0.7 के आसपास चल रहा है। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ये है 200 डे मूविंग एवरेज, और वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस थी, उसको इसने ब्रेकआउट किया, तो पूरे चांसेस है यहाँ से ये रैली कंटिन्यू करे अगर बिटकॉइन यहाँ स्टेबल रहता है। और कंटिन्यू करता है तो 0.85 से लेके $1 तक का इसके अंदर पोटेंशियल है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये जा सकता है। यानी कि अभी भी 20-50-100% का पोटेंशियल इसके अंदर लगता है कि मिड टू शॉर्ट टर्म में देखे जा सकता है, मैटिक के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंट्री बना रहे तो पार्ट में बनाइएगा, जब लेना था तब नहीं लिया तो यहाँ पर थोड़ा सा एक रिस्क ज़्यादा हो जाता है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, शिबा। शिबा के अंदर ये 800 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, 550, 600, 650, इनफैक्ट 700 पे भी हमने बोला ले लो, अगर नहीं लिया है तो अभी भी यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ मूव अभी हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ से 10-5% ये ऊपर नीचे हो सकता है बिटकॉइन का, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर भी पंप के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और यहाँ से 1,000, 1,200, 1,300, इनफैक्ट 1,500 तक ये जा सकता है, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। और XRP को लेके जब लोग कोई नहीं बोल रहे थे ना, हम XRP के बारे में बात करते थे और जब केस में भी उलझा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, वो इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो XRP के अंदर एक अलग सा माहौल लग रहा है। $0.5 पे फिर दोबारा इसने मौका दिया था, नहीं लिया है, तो यहाँ क्या करना चाहिए। XRP के अंदर एक रैली कंटिन्यू होते दिख रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर सको, अगर ये $0.6 के नीचे आ जाए तो हम एंट्री बनाने की सोचेंगे। अभी आप वेट करो, इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। लेकिन अगर आपने लिए हुए हैं तो पूरे चांसेस हैं ये 0.8 से लेके $0.95, इनफैक्ट $1 भी आपको मिड टू शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिले। और अगर रैली की बात करते हैं, एक बुल रन आता है जैसा हम सोच रहे हैं, 5x 10x की बात करते हैं जब बहुत सारे लोग, तो यहाँ से ये अपने ऑल टाइम हाई को इस बार उम्मीद है कि ये छू सकता है, तो इस कॉइन के ऊपर भी आप नज़र बना के रखिएगा। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, $0.6 शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, तो उसके नीचे रहे आए तो शायद एक अच्छी एंट्री हो सकती है। अभी आपको यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। बाकी आपके कौन से कॉइन्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में भी कवर करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, सर हमारे कॉइन्स आप बताते नहीं हो,
ऐसा नहीं होता, हम कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वाइंस जो सब होल्ड करते हैं उसके बारे में बताएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपका समय भी बच पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, ताकि बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं चीज़ों का, तो उनको थोड़ी सी नॉलेज में आपकी तरह इजाफा हो सके। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।